चलो ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कंक्रीट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। कंक्रीट क्या होती है पढ़ लिया था, सीमेंट कंक्रीट क्या होती है पढ़ लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो, और उसके बाद क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, यानी सघटों का मिश्रण, यानी जो भी कंक्रीट के कंपोनेंट्स है, जैसे सीमेंट, बालू, गिट्टी और पानी, इन तीनों का कैसे हम लोग मिक्सिंग करते हैं, किन किन तरीकों से हम लोग मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं, सॉरी कंक्रीट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी सघटक, ठीक है, जैसे सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जितना अनुपात में हम लोग को चाहिए, यानी जितना रेशियो में हम लोग को चाहिए, यानी अगर हम 25 M 25 बना रहे हैं, तो एक बोरिया सीमेंट, एक बोरिया बालू और दो बोरिया गिट्टी, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसको बाद हम लोग उसको सूखा मिलाते हैं। कभी देखे होगे लेबर या मजदूर वजदूर क्या बनाते हैं, जब मसाला बनाते, कहते हैं ना जाओ मसाला बनाओ, तो वो क्या करेगा, बालू लेता है, सीमेंट लेता है और गिट्टी लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको पहले सूखा मिला लेगा, ठीक है, पहले उसको सूखा मिला लेता है। फिर हमको जितनी मात्रा में पानी डालना रहता है, ठीक है, डालकर उसको क्या करते हैं, गीला मिला दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग कंक्रीट को सुघटाए बनाते हैं, यानी कि वर्केबल बनाते हैं, ठीक है। जब हम लोग पानी मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सुघटाए हो जाते हैं, यानी वर्केबल, यानी उसको अब हम लोग काम में ला सकते हैं, ठीक है। इससे पहले सूखे वाले को तो काम में ला नहीं सकते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉन्क्रीट को काम के लायक बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोग अच्छे आकार में क्या करते हैं, ढाल देते हैं, जिस आकार में हमको ढालना रहता है उस आकार में ढाल देते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ मिक्सिंग, यानी कि जो मिश्रण की जो विधियां हैं वो दो तरीके की होती है, पहला है हस्त मिश्रण, दूसरा है मशीन मिश्रण, ठीक है। हस्त मिश्रण यानी हाथ से करते हैं उसको मिक्स, और मशीन मिश्रण मतलब मशीन द्वारा, ठीक है, हाथ से मतलब हाथ का नहीं, हाथ से काम करे, जैसे कुदारी लेके, ठीक है, फावड़ा लेके, ठीक है, ये सब लेके जो हम लोग करते हैं वो क्या, हाथ मिक्सिंग कहलाता है, ठीक है। कंक्रीट मशीन मिश्रण विधि हस्त मिश्रण विधि से क्या होती है, उत्तम होती है, यानी कि जो मशीन मिक्सिंग होती है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है, किसके, हस्त मिश्रण विधि से, यानी कि हैंड के द्वारा, हाथ द्वारा किए गए मिक्स के, ठीक है। और जो मशीन मिश्रण विधि होती है वो क्या होती है, कम से कम समय लेती है, ठीक है, क्या होती है, कम से कम समय लेती है वो, ठीक है। हस्त विधि में कंक्रीट में 10% से अधिक सीमेंट डालना चाहिए, यानी कि जैसे अगर हम हाथ से मिक्सिंग अगर कर रहे हैं तो 10% थोड़ा सा अधिक सीमेंट डालना चाहिए, क्यों, क्योंकि मान लो अगर हम लोग अच्छे से हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम परफेक्ट मिक्सिंग होगा, अरे कुछ ना कुछ तो रहेगा। कभी कभी देखे होगे कि जब हम लोग मिलाते हैं तो मोरंग दिखाई देता है हमको कभी कभी, ठीक है, जब कभी नया भी रिसेंटली अगर कोई का घर बन रहा होगा तो वो देखना जाके जब हाथ से मिलाते हैं मिस्त्री तो क्या थोड़ा सा मोरंग बाहर दिखाई देता है, तो वो किस वजह से, क्योंकि वो हाथ से हम लोग उसका मिक्सिंग करते हैं, यानी हाथ का मतलब कुदार से या फावड़े से, तो उस तरीके से अच्छे से मिक्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मशीन में क्या होता है कि एकदम पूरा एकदम जो हमको कंक्रीट मिलती है वो एकदम अच्छी वाली कंक्रीट मिलती है, अगर उस मशीन से अगर हम लोग मिक्सिंग करें तो जो कंक्रीट हमको मिलती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है और एक समान होती है, लेकिन अगर हाथ से करते हैं तो हमको एक समान दिखने को नहीं मिलती है, ठीक है, एक समान हमको दिखने को नहीं मिलती है, ठीक। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जब भी अगर हम लोग हाथ से अगर मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, मिश्रण बना रहे हैं, तो 10% सीमेंट का हम लोग क्या करें, अधिक ले लें, तो उससे हमारा जो स्ट्रेंथ है वो उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो पहला है हमारा कंक्रीट की हस्त मिश्रण विधि, ठीक है, कंक्रीट की हस्त मिश्रण विधि, ठीक है। अरे यार तुम लोग इतने खराब हो, कम से कम बोल दिया करो कि सर हमको नोट्स चाहिए, मेरे दिमाग में इतनी टेंशन रहती है, मेरा काम रहता है, ये इधर काम है उधर काम है,
तीन तरह का चार तरह का काम रहता है। तुम लोग बोल दिया करो सर हमको नोट्स इंग्लिश में चाहिए, मैसेज कर दिया करो एक, हम उस समय फ्री रहेंगे अगर व्हाट्सएप चलाते रहेंगे तो, या कभी भी मैसेज देखेंगे तो हम तुमको नोट्स दे देंगे, ये वाली नोट्स तुम लोग पास होगी नहीं, नोट्स दे देंगे तो याद दिला दिया करो कम से कम, ठीक है। तो अब आते हैं कंक्रीट की हस्त मिश्रण विधि। इंग्लिश में भी अब कोई नहीं मांग रहा है, यानी पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। बस इसको समझ लोगे तो बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको समझ लोगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो तुम लोग कर लोगे, और इससे जो पढ़ा रहे हैं उससे अधिक तो पूछेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर क्या है, कंक्रीट की हस्त मिश्रण विधि यानी हैंड मिक्सिंग, मेथड ऑफ हैंड मिक्सिंग, ठीक। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में कंक्रीट के सगटाए को फावड़ों से श्रमिकों द्वारा मिलाया जाता है, यानी कि फावड़ा ले लेंगे या कुदार ले लेंगे, ठीक है। उससे क्या करेंगे हम लोग, जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जैसे सीमेंट है, सैंड है और गिट्टी है, इन तीनों को क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। फिर इस विधि का प्रयोग मशीन मिश्रक के उपलब्ध ना होने पर किया जाना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास मशीन अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तब इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। या हमको बहुत ज्यादा कम काम करवाना है, ठीक है, तो हम लोग इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हस्त मिश्रण विधि से कम सीमेंट जल सीमेंट अनुपात की सख्त प्रकार की कंक्रीट तैयार करने में कठिनाई होती है, यानी कि अगर हम हाथ से मिक्सिंग कर रहे हैं तो हमारा जो जल सीमेंट अनुपात है, ठीक है, जो जल सीमेंट अनुपात से, यानी कि एकदम जो रेशियो है वाटर और सीमेंट का, ठीक है, वो बराबर तरीके से हमको हस्त मिश्रण विधि में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है अगर हम लोग को दिखाई दे कि हमारी कंक्रीट सूखी है तो हम और पानी डालेंगे, सूख जाती है कभी कभी, सूखी रहती तो और पानी डालेंगे, फिर देखेंगे फिर सूख गई तो फिर पानी डालेंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो जल और सीमेंट का रेशियो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और अच्छी तरीके से कंक्रीट तैयार नहीं हो पाती है, ठीक है। कभी देखना जब मिस्त्री बना लेता है मसाला, तो जब मिस्त्री के पास जाता है तो वो क्या फिर पानी डालता है, ठीक है, कहता है कि मसाले में पानी डालिए, ठीक है, तो मसाले में पानी डालता है, फिर उसका जो सीमेंट रेशियो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, फिर जब वो सूखने लगता है तो फिर डालता है। तो इस तरीके से हमको अच्छे अनुपात का, यानी जल सीमेंट अनुपात का सीमेंट कंक्रीट तैयार नहीं हो पाता है, कठिनाई होती, परेशानी होती, ठीक है। अब हस्त मिश्रण प्रक्रिया निम्न, यानी कि कैसे कैसे हम लोग हस्त मिश्रण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक पक्का यानी एक फर्श साफ प्लेटफॉर्म पर बालू निर्धारित मात्रा में लेकर समान मोटाई की परत में फैला दी जाती है, यानी कि आप एकदम प्लेन यानी साफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, बालू लेते हैं कुछ, फिर उसको हम लोग क्या एक पतली मोटी सी लेयर बना के उसको बिछा देते हैं, पूरी तरीके से फैला दिया जाता है, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म जल रोधी होना चाहिए, यानी जो प्लेटफॉर्म पे हम बना रहे हैं वहां पे पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो वो कॉन्क्रीट का पानी क्या, जो हम मसाला बना रहे हैं वो पानी क्या कर लेगा, सोख लेगा, तो वो उसमें एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा, ठीक है, जब हम पानी और डालेंगे ऊपर से तो एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा, तो हमारा जो मसाला है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बालू के ऊपर क्या करेंगे, निर्धारित मात्रा में सीमेंट फैला दी जाती है, यानी कि उसके ऊपर हम जब बालू बिछा दिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सीमेंट उसके ऊपर फैला देंगे, ठीक है। फिर और दोनों पदार्थों को फावड़े से सूखा ही अच्छी तरीके से मिला मिला लिया जाता है, यानी कि फिर सीमेंट और बालू को हम क्या करते हैं, फावड़े से अच्छे तरीके से मिलाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है हस्त मिश्रण वाले में, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, ठीक है, तो उसको मिला लेते हैं, ठीक। अब सीमेंट व बालू का मिश्रण जो है वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है, वो एकदम सेम दिखाई देता है, ठीक। अब उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, मोटा मिलाओ यानी गिट्टी को फैला दिया जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दोनों पदार्थों को फावड़े से सूखा ही अच्छी तरीके से मिलाया जाता है, यानी कि दोनों पदार्थ यानी गिट्टी और सीमेंट बालू का जो एक मिश्रण है उन दोनों को क्या करते हैं, अच्छे से मिला लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस ढेर के माध्यम में क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, बीच में देखिए एक गड्ढा बना जाता है, बीच में एक गड्ढा बना दिया जाता है,
ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, पानी पानी डालते हैं जितनी मात्रा में हमको चाहिए रहता है। ठीक है, उससे क्या, पहले जो हम लोग पानी डालते हैं वो क्या डालते हैं, निर्धारित मात्रा से 3/4 यानी 3/4 भाग हम लोग पानी भर देते हैं। ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हो गए, ढांकते हैं चारों तरफ से, उसको ढाक दिया जाता है। ठीक, ढाकने के बाद फिर जब उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने का मतलब जो पूरा पहाड़ की नुमा या ऐसे बन जाता है, ठीक, तो उसको क्या करते हैं, तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद फिर थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है, 3/4 मिलाए थे। ठीक है, अब जितना पानी बचा रहेगा वो हम उसको मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद वो क्या होगा, पूरी तरीके से वो गीला हो जाएगा यानी सुखटाया हो जाएगा, वर्केबल हो जाएगा। ठीक है, कंक्रीट को ढेर को सूखने को 3 बार और पानी मिलाने के बाद पूरी तरह से उलट उलट कर मिलाना चाहिए, यानी कि जब वो पूरा हो जाए, ठीक है, पर उसका घेर दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद 3 बार और पानी मिलाया जाता है। ठीक है, 3 बार और पानी मिलाया जाता है, 3 बार, एक बार डाला फिर उसको मिलाया, फिर एक बार मिलाया, फिर उलट उलट के मिलाया जाता है। ठीक है, पानी को ढेर ऊंचाई से नहीं डालना चाहिए, ऐसा करने पर सीमेंट पानी के साथ बह जाता है, यानी कि अगर हम लोग सीमेंट को बहुत ऊंचाई से पानी डालें, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा सीमेंट है वो क्या हो जाएगा, पानी के साथ बह जाता है, यानी सीमेंट क्या जितना भी है वो क्या अलग होने लगेगा, बालू अलग हो जाएगा, बह जाएगा, और बालू और सीमेंट बह जाएगा और गिट्टी वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक है, इसीलिए पानी को थोड़ा सा नीचे से डालना चाहिए। ठीक है, 15 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के अलोंग। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना हस्त मिश्रण करते हैं। ठीक, अब आते हैं कंक्रीट मशीन मिश्रण विधि पे, यानी कि मशीन मिक्सिंग। अब मशीन में कैसे करते हैं, कंक्रीट मिश्रण के लिए जब मशीन मशीन प्रयोग की जाती है तब इसे यांत्रिक मिश्रण विधि कहते हैं, यानी कि कंक्रीट को मिलाने के लिए जब हम लोग मशीन का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यांत्रिक मिश्रण विधि। ठीक है, मिश्रण के लिए जो मशीन काम में लाई जाती है उसे बोलते हैं क्या, कंक्रीट मिश्रण, मिश्रण नहीं होता है, मिश्रक होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जो मशीन हम लोग कंक्रीट मिश्रण बनाने के लिए हम लोग लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट मिश्रक यानी कंक्रीट मिक्सर। ठीक है, जो मसाला पीसने वाला तो मिक्सर होता है, वैसा ही इसको भी नाम दिया गया मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर। ठीक है, मिश्रक के मुख्य एक ऊपर से खुले मुंह वाला ड्रम होता है, यानी कि जो मिश्रक होता है उसका क्या होता है, एक ऊपर से क्या हो जाता है, मुंह खुला रहता है उसका। ठीक है, पूरा ड्रम की तरह रहता है, गोल सा, देखिए होगे, गोल सा ड्रम रहता है, ऊपर की ओर क्या रहता है, खुला रहता है। ठीक है, ऊपर की ओर क्या रहता है, वो खुला रहता है। ठीक है, जिसके भीतर ब्लेड लगे होते हैं, यानी उसके अंदर क्या होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, ये ड्रम अपने धुरी पर कुछ तिरछी स्थिति में घूमता है, यानी कि धुरी का मतलब होता है शाफ्ट, शाफ्ट जो होती है जो रोटेट करती है। ठीक है, ऐसे होती है, शाफ्ट रोटेट करती है। ठीक, तो वो क्या होता है, अपने धुरी से थोड़ा सा तिरछा होता है, यूं होता है, देखे होगे तुम लोग, यूं होता है। ठीक है, वो अपना ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, जिसके अंदर डाले गए कंक्रीट सगटाओं का मिश्रण होता है, यानी कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट्स यानी सीमेंट गिट्टी बालू को हम लोग डाल के क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, एक ड्रम में पहले गिट्टी, सॉरी, एक ड्रम में क्या करते हैं, पहले हम लोग गिट्टी डालते हैं, फिर बालू, फिर सीमेंट डालकर इसे कुछ चक्कर सूखा, यानी कि पहले हम लोग गिट्टी डालेंगे, बालू डालेंगे, फिर सीमेंट डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कुछ देर तक उसको चक्कर लगाने देंगे, सूखा ही। ठीक, फिर उसके बाद पानी डालकर घुमाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है वो, फिर उसके बाद घुमाया जाता है। ठीक है, ड्रम को कुल 2 से 3 मिनट घुमाना पर्याप्त है, यानी 2 से 3 मिनट के लिए हम लोगों ने घुमा दिया, समझ जाओ कि हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। ठीक है, मुंह दर्द हो रहा है मेरा बोलते बोलते। ठीक है, फिर है मशीन मिश्रक द्वारा कंक्रीट बहुत शीघ्र और बड़ी मात्रा में तैयार होती है, यानी कि अगर हम मशीन के द्वारा कंक्रीट को अगर हम बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो वो क्या बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, यानी 2 से 3 मिनट में तैयार हो जा रही है। वही अगर हाथ से बनाएंगे
तो पहले एक बार उसको मिलाओ, फिर पानी डालो, फिर उसको मिलाओ, 3 बार पानी मिलाओ, फिर इस तरीके से मिलाओ, तो उसमें देरी होती है। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग मशीन के द्वारा पर्याप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़ी मात्रा में, अगर हमको कहीं बिल्डिंग बनाना हो तो क्या मशीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हस्त का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या कॉस्टली होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली, लेबर चाहिए रहेगा, ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन मशीन रहेगी तो मशीन जल्दी से बनाएगी, 2 लेबर में 3 लेबर में जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। इसका मिश्रण भी सघनता व समान दिखता है, यानी कि इसका जो मिश्रण होता है वो कंसिस्टेंस होता है, यानी कि एक तरीके का दिखता है, गाढ़ा होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, एक समान दिखता है, ठीक है, एक जैसा दिखता है, होमोजीनस होता है, ठीक है, जिससे उच्च सामर्थ्य वाली गिट्टी प्राप्त होती है, यानी कि उसका हाई स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट हमको मिलती है, यानी उच्च होता है, यानी बहुत बड़ा, बहुत मजबूत वाला कंक्रीट हमको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका एक एक कण है वो अच्छे तरीके से मिल जाता है, ठीक है। कंक्रीट मिश्रक के लिए मिश्रकों को वरीयता देनी चाहिए, यानी कि ज्यादातर हम लोगों को मशीन का इस्तेमाल करके ही कंक्रीट को तैयार करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कंक्रीट मिश्रकों के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ मिक्सर, क्या क्या लाभ है अगर हम मशीन मिक्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहला है, मिश्रक की दर बहुत अधिक होती है, यानी कि जो उसका वर्क होता है, जो स्पीड होती है उसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है। मिश्रक से कम समय में बड़ी मात्रा में कंक्रीट तैयार होती है, यानी कि जाहिर सी बात है, अगर हम लोग कंक्रीट मिक्सिंग कर रहे हैं मशीन के द्वारा, तो हमको क्या कम समय में ज्यादा मात्रा में हमको क्या मिल जाती है, कंक्रीट तैयार हो जाती है, ठीक है। मिश्रण उत्तम होता है, यानी जो मिश्रक से जो मिश्रण मिलता है हमको वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, अच्छा होता है, उत्तम होता है, ठीक है। और सामग्रता वाली कंक्रीट उपलब्ध होती है, यानी कि गाढ़ा और एक समान की हमको दिखाई दे वैसी कंक्रीट हमको पर्याप्त होती है, ठीक है। कंक्रीट उच्च गुणवत्ता वाली होती है, यानी कि हाई क्वालिटी, यानी उसकी अच्छी क्वालिटी जो होगी कैसी होगी, हाई क्वालिटी होगी, ठीक है। जल सीमेंट अनुपात कम रखा जा सकता है, कम रखा जा सकता है, जो हस्त मिश्रण कंक्रीट में संभव नहीं है, यानी कि जल सीमेंट अनुपात है, हम लोग अगर एक बार उसमें हम पानी डाल देंगे तो वो क्या करेगा, पानी को इतना रोटेट कर देगा वो कि 2-3 मिनट में कि वो जल्दी से एक बार मिक्स हो जाएगी, तो उसमें हमको दोबारा से पानी डाल के उसको गीला नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर माल क्या क्या बताए थे अभी कि जब मिस्त्री मांगता है सीमेंट तो कहता है पानी डालिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि सूखी रहती है, तो उसमें ये सब नहीं करना पड़ेगा, और हमको अच्छे जितना हमको पानी की उसकी जरूरत है उतना ही डालना पड़ेगा, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा अधिक नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हस्त मिश्रण में क्या हो जाता है, वो संभव नहीं रहता है, और हमको पानी डाल के उसको सुघटा यानी वर्केबल बनाना पड़ता है, ठीक है। कंक्रीट की स्वीकार्यता अच्छी मिलती है, यानी जो उसकी वर्केबिलिटी है, यानी जो काम लायक कंक्रीट होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है, गुड क्वालिटी की होती है, ठीक है। फिर जब अधिक मात्रा में कंक्रीट तैयार करनी हो तो मिश्रकों द्वारा तैयार कंक्रीट सस्ती पड़ती है, यानी अगर हमको माल वही बताया कि अभी बिल्डिंग बनाना हो, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग माला, 3-4 माला, 5 माला, 6 माला की बिल्डिंग बनाना हो, तो क्या मिश्रक का इस्तेमाल करेंगे तभी हमको अच्छे से कंक्रीट अधिक मात्रा में तैयार भी होगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि लेबर का उतना नहीं पड़ेगा, बस उसमें डालने के लिए लेबर चाहिए और पहुंचाने के लिए लेबर चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मिक्सर का ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये मिक्सिंग हो गई खत्म, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे कंक्रीट बिछाना, यानी कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, कैसे कंक्रीट को बिछाया जाता है, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे कल, क्योंकि मेरा हो रहा है मुंह दर्द। क्वेश्चन है पूछ सकते हो, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो। सर नोट्स भेज दीजिएगा। ठीक है, नोट्स वा भेज देंगे, जी सर। नोट्स वा मिल जाएगा।
नोट्स वा पढ़ते हो कि मांग रहे हो? ठीक है, अच्छी बात। पेपर कब होगा सर? कौन सा पेपर? अरे बोर्ड वाला। अरे बोर्ड वाला? कौन बोर्ड वाला? यही जो सेकंड 12 जुलाई से होने वाला था ना। नोटवा आ गया सर। क्या करे तब नोटवा आ गया? कौन बोल रहा है ये? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा जी? सर विशाल यादव। अच्छा, इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, थोड़ा बार बार वीडियो कट जा रही है। कल पढ़ाएंगे अब तुम लोग को हम कंक्रीट बिछाना यानी कॉम्पैक्शन के बारे में, ठीक है जी सर? किस तरीके से कंक्रीट बिछाई जाती है और कौन कौन सी सावधानियां हैं, ठीक है, प्रिकॉशंस हैं कंक्रीट बिछाते समय रखनी चाहिए, ठीक है? फिर फार्मा जानते हो क्या होता है? फार्मा, फार्मा देखे होगे, जब बीम ढलाती है, कॉलम कॉलम ढलाता है, देखते हो?
तो चारों तरफ से एक जी सर, लोहे का चारों तरफ से बनाया जाता है, सांचा टाइप, इसी को बोलते हैं फार्मा। ठीक है भाई, जी